हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज होमस्केप्स। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत इस अपने हिबिस्कस गुलदाउदी के फूल से करती हूँ। देखो कितना बड़ा खिला है और कितना प्यारा कलर है। इसमें कितने सारे वाइट बग्स लग गए थे, मैं इसको डेली स्प्रे किया करना शुरू कर दिया था। अब मेरे को एक बात समझ में आ गई है, अगर आपको वाइट बग से छुटकारा चाहिए तो आपको डेली रेगुलर स्प्रे करते रहना पड़ेगा, तभी इसके हटेंगे ये वाइट बग्स, वरना तो प्लांट को पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने लास्ट 1 वीक से मैं इसको डेली स्प्रे करती जा रही हूँ, तो अभी मेरे लगभग हट गए हैं। अभी हैं ही नहीं बहुत, एक दो कहीं कहीं हैं लेकिन बहुत हट गए हैं। और अभी देखो इसमें इतना प्यारा एक फ्लावर खिला है, हिबिस्कस का बहुत प्यारा कलर है। और इसमें अभी कलियां आ रही हैं, एक इधर है, इधर भी खिल आ रही है ये कली, और इसमें भी आ रहे हैं। अभी सीज़न है इनका, बहुत प्यारे से खिल रहे हैं ये गुलदाउदी के। तो मैंने सोचा आज मैं इनकी गुड़ाई वगैरह कर देती हूँ। मैं ये देखो जो मेरे फ्लावर्स ऐसे सूख जाते हैं ना, मैं इसमें तोड़ तोड़ के इसमें डालती जाती हूँ, तो इनका भी खाद मिलता है, ये भी इसमें लग जाते हैं और इसके बहुत सारे ऐसे हो जाता है ये सब प्लांट्स, अच्छे से मिट्टी इनकी खाद मिल जाती है इनको। ये देखो ये मैंने यहाँ पे चाय की पत्तियाँ सुखा के रखी है, चाय बनाने के बाद उसको छान कर अच्छे से 2-3 बार आप धो लो और उसको ऐसे सुखा दो। ये एक बहुत ही अच्छा मैन्योर है हमारे प्लांट्स के लिए, खासकर रोज़ प्लांट और हिबिस्कस प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं अभी ये डाल देती हूँ इसको चारों तरफ ऐसे, कि एक्चुअली मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे घर में ये चाय पत्ती ऐसे बहुत कम ही निकलती, कोई मेहमान आ गया या हस्बैंड ने कभी पी ली चाय, वो भी कम ही पीते हैं, तो वही चाय पत्ती मैं ऐसे रख देती हूँ। तो मैं इसको इसमें ऐसे मिक्स कर दूँगी। बहुत ही अच्छा मैन्योर है हमारे खासकर ये हिबिस्कस प्लांट्स के लिए और रोज़ प्लांट्स के लिए, तो बहुत ही बेस्ट होता है ये चाय की पत्ती का। मैं एक दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरा ये मिर्ची का पौधा है, ये मैंने खुद बीज से लगाया था। मिर्ची लेके आए थे तो उसमें से पक गई थी ना मिर्ची, तो मैंने उसके सीड्स को मैंने ऐसे लगाए थे, तो उसमें से पौधे मैंने निकाले थे, तीन काफ़ी सारे निकले थे लेकिन ये तीन बड़े हुए, एक ये है और इधर ये एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसी में ही था ये वाला भी, मैंने यहाँ से निकाल के इसको इस पॉट में लगाया। अभी देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये बैल्कनी में ही लगाया है मैंने ये अभी देखते हैं कितना टाइम बाद इसमें लगती है मिर्चियाँ। बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो बड़ा हो गया। और ये मेरा चमेली का पौधा है, मैंने सोचा था ये मेरा प्लांट मर ही गया लेकिन बेचारा जैसे तैसे करके बच के निकल रहा है। और इसमें अभी थोड़ी बहुत सी कलियाँ भी आ रही हैं, ये छोटी छोटी ये कली आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। ये बहुत बड़ा था, ये पूरा सूख गया था ये वाला, इसको मैंने काट दिया, बस इसका एक ही ब्रांच बचा है, उसी में से ये निकल के अभी कली आ रही है। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसकी हो जाएगा तो मैं कटिंग करूँगी इसकी, फिर और इसमें से और इसके ब्रांचेस निकलेंगे जब ये वाले खिल जाएंगे ना, ये वाले ये और ये, ज़्यादा नहीं है थोड़े से ही एक दो फ्लावर्स है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, वो जैसे वो ऑरेंज है ना, ये उससे भी ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज है, एकदम डार्क ऑरेंज में है ये हिबिस्कस। अभी जब मैं ख़रीद के लेके आई थी तब इसमें खिला था, उसके बाद खिला ही नहीं, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ इसमें फिर से नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, मैं इस प्लांट के बारे में बताती हूँ, मैंने इसको बहुत टाइम पहले खरीदा लेकिन ये ग्रो ही नहीं कर रहा था, मैं सोचती ये क्यों ग्रो नहीं कर रहा, क्यों नहीं ग्रो कर रहा। तो मैंने इसके एक दिन खुदाई की ना, तो प्लांट को नीचे से ऐसे प्लास्टिक के ऐसे पैक में ना इसको बांध के रखा हुआ था, जिससे इसकी रूट्स ना बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही थी और प्लांट में भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको कटिंग करके निकाल के दोबारा से इसको प्लांट को लगाया, तब से इसमें मतलब अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो मैं एक बात कहूँगी, हम लोग जब भी नर्सरी से कोई प्लांट्स लेके आते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक कर लेना चाहिए कि उसको नीचे से कहीं बाउंड करके तो नहीं रखा हुआ, प्लास्टिक के किसी एक छोटे से बैग जैसा होता है उसमें बाउंड करके रखते हैं जिससे प्लांट मतलब सीधा रहे। तो हम लोगों को ना वो निकाल देना चाहिए जब भी हम कोई नर्सरी से प्लांट लेके आए, खासकर वो चीज़ तो हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो मैं इस प्लांट को आज मैंने ऊपर से नीचे उतारा, इसकी मैं कर देती हूँ क्योंकि अभी सीज़न है हिबिस्कस फ्लावर्स के खिलने का, तो इसको मैं ऊपर से नीचे उतारा और इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। और इसमें भी
मिनी बग मैं अभी चेक कर रही हूँ तो इसमें भी ना थोड़े थोड़े से लगे हुएंगे, देखो ये लगा हुआ है, आपको दिखेगा शायद से यहाँ पर, ये देखो ये ऐसे लगे हुए हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा वरना ये मेरे प्लांट को बर्बाद कर देगा। मैं इसमें स्प्रे कर देती हूँ, ये स्प्रे मैंने मारा है उसका डिटॉल होता है ना, डिटॉल का थोड़ा सा कुछ 7 to 8 ड्रॉप्स मैंने मिक्स किया इस जो कॉलिंग की हमारी बॉटल होती है इसमें मिक्स किया, पानी मिक्स करके इसको मैं मिक्स करती हूँ ऐसे करके, जहाँ जहाँ इसके नए नए मेरे को दिख रहे हैं वहाँ वहाँ मैं स्प्रे कर देती हूँ इसको। अब इसको मैं रेगुलर दूंगी इस प्लांट को स्प्रे, तभी इसका ये हटेगा, क्योंकि वो वाले प्लांट का मैंने रेगुलर देना शुरू किया ना तो हट गए। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रहा है, ये प्लांट्स में लगे हुए हैं, ये सब पूरा बर्बाद कर देते हैं प्लांट्स को हमारे, और ख़ासकर ना लीव्स के नीचे नीचे तो होती है वाइट बग्स, यहाँ पर भी है ये, मैं लीव्स के नीचे नीचे भी चेक करती रहती हूँ, अगर दिखते हैं तो मैं हाथों से हटा देती हूँ मैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे हम लोग प्लांट्स लेके आते हैं और उसमें ये सब कीड़े मकोड़े लग जाए कितना ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग कि फूल खिल जाए और कितना अच्छा लगे, वो भी अगर बैल्कनी में हमारे खिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं ऐसे स्प्रे कर करके निकाल देती हूँ। आज अभी मैं देख रही हूँ इसमें नई नई लीव्स आ रही हैं, पता नहीं इसमें कली कब आएगा, अगर इसमें जब कल बर्ड्स आने शुरू होंगे ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत डार्क है, मैं एक ही बार खिला हुआ था जब मैं इसको लेके आई थी नर्सरी से, उसके बाद इसमें आई ही नहीं कली। मैंने एक्चुअली इस प्लांट की केयर करनी भी शुरू कर दी थी, ऊपर रख दिया था, लेकिन आज मैंने इसको नीचे उतारा है तो अभी इसकी केयरिंग शुरू कर दी है मैंने। मैंने ना अपनी पूरी बैलकनी ना पौधों से भर दी है, देखो इधर भी सारे प्लांट्स हैं, यहाँ से लेके ऊपर टेबल में भी रखे हुए वहाँ, और ये भी इधर भी नीचे भी पूरे प्लांट्स, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, मैंने पूरे अपनी बैलकनी को पौधों से भर के रख दिया, इतने पसंद है। अगर मेरी बैलकनी बड़ी होती ना तो इसमें और पौधे भर देती। तो बताना फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी बालकनी में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, मेरा 1K होने के लिए और कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, प्लीज़ कंप्लीट कर दो मेरा 1K। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।